डॉट परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के साथ मिलकर एक बार संगति मनाने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर हमें बहुत कृपा और अनुग्रह से, आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर के वचन की गहराई से हमें चला रहे हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले बहुत दिनों से परमेश्वर के वचन से कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं। कलीसिया के सदस्यों का नामीकरण के हिसाब से भाइयों का जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ देख रहे थे, पढ़ रहे थे। आज भी उसी चीज़ का कंटिन्यूशन करेंगे, भाइयों के हिस्सों के बारे में बाइबल क्या बोलती है उस चीज़ों के बारे में हम लोग आज सुबह भी ध्यान करेंगे। इब्राहियों का किताब दूसरी अध्याय उसका 17वां वचन, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 17। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। आमेन, प्रेज गॉड। इब्राहियों का किताब दूसरी अध्याय में देख सकते हैं जो रोमन चर्च में एक कंफ्यूशन था कि यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, नहीं तो यीशु मसीह का जो जो मकसद था उस मकसद के बारे में एक कन्फ्यूशन था। कलीसिया के अंदर एक डाउट था कि ये यीशु मसीह दूतागण से भी छोटे हैं, ऐसा एक डाउट था, कन्फ्यूशन था। उस कन्फ्यूशन को दूर हटाने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस इस कलीसिया को, रोमन कलीसिया को, हिब्रू कलीसिया को क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह के श्रेष्ठता के बारे में वर्णन करके बताते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ये इस चीज़ का बारे में एक कन्फ्यूशन है। सब सोचते हैं कि यीशु मसीह का क्या बोलते हैं प्रभुता को कोई विश्वास नहीं करता, नहीं तो यीशु मसीह का जो परमेश्वरत्व है उसको लोग बहुत सारे कन्फ्यूशन के रीति से लेते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए एक चीज़ मालूम करना चाहिए, यीशु मसीह जैसे शरीर रूपी हैं वैसे ही आत्म रूपी भी हैं। उनका प्रभुता, नहीं तो उनका ईश्वरित्व, नहीं तो गॉडहुड भी उनके अंदर है, मैनहुड भी उनके अंदर है, मानवता भी है, प्रभुता भी उनके अंदर है। वो दोनों के किस्से से ही उनके सेवकाई को उसने क्या किया, अधिकतर किया हुआ हिस्सा को हम लोग देख सकते हैं। तो इधर हमने पढ़ा हुआ 17वां वचन में देख सकते हैं ये कलीसिया के सदस्यों के बीच में भी एक कन्फ्यूशन था, इसीलिए यीशु मसीह को पूरी तरीके से वो लोग क्या नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए पौलस यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्णन करके बोल रहा है, देखिए उसके 17वां वचन। इस कारण उनको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे भाइयों के समान बने, वह इन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। देखो भाइया हमें बनना पड़ता है। आमीन। कलीसिया में परमेश्वर हमें योगदान दिए, क्यों? यीशु मसीह के खून के द्वारा परमेश्वर हमें खरीदारी किए, स्वर्गीय तल पर परमेश्वर हमें बिठाने के बाद हमारा जो पुराने ट्राइब, हमारा गोत्र, हमारा कुल, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ को हमने छोड़कर हमने क्या किया, परमेश्वर के परिवार में भाई बन गए, सदस्य बन गए। क्यों? ताकि हम क्या कर सके, अपने जीवन में यीशु मसीह का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, जो कि परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने के लिए जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए भाई क्यों बन रहे हैं। कलीसिया में परमेश्वर नामीकरण भाई का क्यों दिया, ताकि हम एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति क्या है। हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने के लिए परमेश्वर के फैमिली में हमें योग्यदान पाना जरूरी है, परमेश्वर के फैमिली में हमें भाई बनना जरूरी है। जब तक एक परिवार में जन्म नहीं होते तब तक उस परिवार का एक्सपीरियंस, अनुभव में हमें योग्यदान नहीं मिलेगी। एक परिवार में अगर तीन भाइयां हैं, एक पापा एक मम्मी है, वो परिवार का अनुभव है, वो परिवार के सदस्यों को मिला के रखता है। इट इज एन एक्सपीरियंस।
विच क्रिएट द फैमिली टू यूनाइट देमसेल्फ, वो अपने फैमिली में मिलकर रहने के लिए वो एक्सपीरियंस। इसीलिए हमारा यीशु मसीह का एक्सपीरियंस क्या है, यीशु मसीह का एक्सपीरियंस ये है कि वो हमारे लिए महापुरोहित बने, ही बिकेम आवर हाई प्रीस्ट। दयालु और विश्वसनीय विश्वास योग्य महापुरोहित बने। पुराने नियम के पुरोहितों के बारे में बताए, वो विश्वास योग्य थे, वो क्या थे, वो दयालु नहीं थे क्योंकि वो मनुष्य थे, प्रभुता उनमें नहीं थी। मगर यीशु मसीह के सेवकाई में हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह जैसे फुल्ली मैन फुल्ली गॉड, इसलिए वो दयालु भी हैं, वो विश्वास योग्य भी हैं। वो महापुरोहित बनने के कारण वो साधारण मनुष्य के समान है नहीं, मनुष्य से भी बहुत भिन्न रीति से। हेलो, पुराने नियम के जो याजक है उनकी सेवकाई कब तक, जब तक वो जिंदा है तब तक, उसके बाद के हिस्सा है नहीं। मगर यीशु मसीह का है वैसा नहीं, यीशु मसीह के मौत के बाद भी आज भी यीशु मसीह के जो याजकत्व है हाई प्रीस्टहुड आज भी हमारे लिए कायम है, काम कर रहा है, लाए हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर के रास्ते में चलाने की कोशिश दिला रहा है। इटर्नल प्रीस्टहुड, नित्य याजकत्व, महायाजक, समझ रहे ना। पुराने नियम के याजकत्व की सेवकाई क्या करते कभी भी खत्म नहीं होता, मगर नया नियम की जो याजकत्व थी वो यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो गया। खत्म होने के द्वारा इसलिए बताया गया, पत्रिकों में बताया गया, यीशु मसीह ने क्या किया, याजकत्व की सेवकाई को खत्म करने के बाद पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। हेलो, He became faithful and merciful. वो हमारा अनुभव बन गया यीशु मसीह का याजकत्व, वो आज मसीह के लोगों का अनुभव है। इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी मेसाहाइक पीपल, नहीं तो एवरी क्रिश्चियन पीपल, एवरी वन हु बिलीव इन गॉड, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अनुभव बन गई। इसलिए यीशु मसीह याजक जैसे बने, वो याजकत्व में उसने क्या किया, उनकी सेवकाई को उसने क्या क्या पूर्ण किया, ही made it complete so that we could experience the family of God, परमेश्वर की परिवार को अनुभव करने के हिसाब से परमेश्वर हमको कलीसिया के अंदर हमें क्या किया, योग्यवान किया। Amen, Jesus. कोई योग्यता है क्या हमें कलीसिया के अंदर आने की? नहीं। कोई योग्यता है क्या परमेश्वर के नाम बुलाने की? पुराने नियम में परमेश्वर का नाम लेने के लिए भी लोग डरते थे। हेलो, पुराने नियम में आज भी इब्राई लोग, हिब्रू लोग, ज्यूइश पीपल आज भी परमेश्वर का नाम लेने के लिए डरते हैं। इसलिए वो लोग का नाम का प्रयोग कैसा करता है जानते ना, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ऐसे वो लोग नाम प्रयोग करते थे। इसीलिए पुरातन नियम में देख सकते हैं जो परमेश्वर की नामीकरण के बारे में, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर की पर्सनल नेम है, लोग डरते थे वो नाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, नहीं तो पूरी तरीके से परमेश्वर के फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो उनका एक्सपीरियंस नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको क्या रोक टोक करवे कर रखता, को क्या कैसा ऐसा एक चीज उनको रोक टोक करवा के रखता था, क्या पाप, ऐसा एक चीज क्या कर रहा था, रोक टोक तक करता था। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, बलि चढ़ाते, इसीलिए उनको याजक की सेवकाई दिया गया, इसीलिए उनको क्या किया, मिलाप वाली तंबू की सेवकाई दिया गया। ये सब क्यों दिया गया, ताकि वो लोग क्या कर सके, पाप से उनको क्या मिल सकती, रिहाई मिल सकती। पुराने नियम के अनुभव में देख सकते हैं वो उनका पाप का जो रिहाई थी वो टेम्पररी था, इट वॉज अ टेम्पररी, कुछ समय तक,
कुछ साल तक, कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक, मगर यीशु मसीह की सेवकाई देखो, वो याजकत्व तो देखो, इट इज ए परमानेंट डील फॉर द सिन, परमानेंट के लिए, आज कल भविष्य के हर प्रकार के पापों के लिए यीशु मसीह क्या बने, याजक बनकर बलियर्पण करके क्या किया, ही फिनिश्ड द एक्टिविटी ऑफ सिन। नहीं तो पाप की जो प्रभुता थी उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से कैंसल कर दिया। हिज ब्लड कैंसल्ड ऑल द अथॉरिटी विच सिन हैड। पाप का जो कुछ भी अधिकार था उस अधिकार को यीशु मसीह के याचकत्व के द्वारा, यीशु मसीह के बलियर्पण के द्वारा एवरीथिंग गॉट फिनिश्ड। इसीलिए यीशु मसीह सीली पर मरते वक्त बोला गया वचन क्या था, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद ही यीशु मसीह ने अपना प्राण किसको दे दिया? पुराने नियम में क्या थी, प्राण अर्पण करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट नहीं थी। हाँ या ना, एक्टिविटी फिनिश नहीं होती थी, इसलिए लोग अपना प्राण अर्पण, इसलिए पुराने नियम में देख सकते हैं लोगों को, लोगों के मौत होने से पहले, नहीं तो मौत के बारे में बोलते वक्त वो लोग हेवन बोलकर कभी बोले नहीं है, स्वर्ग बोलकर वो लोग कभी बोले नहीं है, वो पद प्रयोग है। याकूब क्या बोलता है, विश्राम स्थान, रेस्टिंग प्लेस। क्यों? उनका जो एक्टिविटी पूरी तरीके से कंप्लीट किया नहीं गया। इसीलिए ना यीशु मसीह मरने के बाद उसने क्या किया, भक्तों को मिलने के लिए कहाँ गया, अधोलोक मर जाकर क्या किया, सुसमाचार की घोषणा करके उनको क्या किया, ही गेव ए रिलीफ, एक्टिविटी ऑफ रिलीफ, और उनको एक एक्सपीरियंस देके क्या बताया, जानते ना, आई फिनिश द एक्टिविटी ऑन द क्रॉस, सूली के ऊपर मैंने क्या किया, याजकत्व की सेवकाई, बलियर्पण की सेवकाई, पाप के लिए प्रायश्चित का कार्य मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सो दैट यू कैन हैव ए रिस्टोरेशन बैक टू एक्सपीरियंस गॉड, ताकि तुम पुनर्वार परमेश्वर के साथ क्या कर सकते, अनुभव करने के हिसाब से मैं तुम्हें फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर के सदस्य बनकर, भाइयां बनकर तुम्हें एक्सपीरियंस में लाके रखा है, क्योंकि एक याजकत्व की सेवकाई फिनिश हो गई। इसीलिए यीशु मसीह क्या बन गए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इंटरसीडिंग पर्सन, मध्यवर्ती व्यक्ति। बाइबल कहता है क्या है, मनुष्य को उद्धारी पाने के लिए कोई और है ही नाम नहीं, किसका नाम, यीशु का नाम, ओनली द नेम ऑफ जीसस इज ऑन दिस प्लैनेट, इस संसार में यीशु मसीह के नाम के सिवाय किसी और का नाम ही नहीं है जो कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में लोगों को क्या कर सकता है, फैमिली ऑफ गॉड में एक्सपीरियंस करने के लिए, भाईचारा में अनुभव करने के लिए हमें यह सहायता दिलवाने वाली अनुभव। इसीलिए कलीसिया में हमें योगदान पाए हुए व्यक्ति परमेश्वर के याजकत्व और परमेश्वर की जो बलि और नहीं तो परमेश्वर की जो लहू की जो श्रेष्ठता है उस चीज के बारे में हम बहुत कंसर्न है। इसीलिए यीशु मसीह के लहू के ऊपर हमें आश्रयवान होना जरूरी है, इट इज ए मस्ट डील। हेलो, इसीलिए यीशु मसीह के याजकत्व के बारे में किनको डाउट था, यहाँ इब्राइयों का कलीसिया को, रोमियो रोमन्स को, उनको डाउट था, क्योंकि वो लोग कौन थे, 70% ये लोग कौन थे, मूसा के व्यवस्था के हिसाब से आए हुए लोग, नहीं तो इनके अंदर ये क्या करते हैं, मूसा की व्यवस्था की जो क्या बोलते हैं, दारू पीने के बाद क्या होता है, नशा, मूसा की व्यवस्था की नशा इनके अंदर पर, इनके शरीर पर क्या हो गया, जनता नस नस में फंस गया था, इसीलिए उस मूसा की व्यवस्था की जो 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 जड़ है वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उनका विश्वास ये था कि मूसा के व्यवस्था के समय जो याजकत्व थी वो ही श्रेष्ठ है, वो उनका सोच विचार था,
मगर ये नहीं जान पा रहे थे कि सबसे आखिरी में आया हुआ यीशु मसीह जो वो है असली याजक। इसीलिए हम आज याजकत्व के वस्त्र पहनकर कलीसिया के अंदर सेवकाई नहीं करते, नहीं तो याजकीय वस्त्र पहनकर हम लोग क्या नहीं करते, सेवकाई नहीं करते। अगर करते हैं वी आर इंसल्टिंग जीसस, यीशु मसीह को हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं तो यीशु मसीह के याजकत्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। वो कभी भी परमेश्वर का एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो कभी भी कलीसिया के अंदर भाईचारा का हिसाब है ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या नहीं पहनते, याजकीय वस्त्र पहनकर सेवकाई नहीं करते। वो एंटी बिब्लिकल है, अगेंस्ट बाइबल, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, उस सेवकाई का पदवी, यीशु मसीह कौन सा सेव याजकीय वस्त्र पहने थे जो सही सेवकाई करने के लिए, पुराने नियम में जो याजकीय वस्त्र है वो वस्त्र का दाम कितना है जानते हो ना, कम से कम 3 से 4 करोड़ तक, 3 से 4 करोड़। उनका जो क्या बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट में 12 गोत्रों का क्या करा दिया, क्या क्या किया गया, चिन्ह लगाया दिया गया, वो क्या है, सबसे बहुमूल्य पत्थरे हैं, नहीं तो डायमंड, वैसे तरीके से पत्थरों से लिखा गया रखा गया चीजें हैं। वो पूरी वस्त्र खरीदारी करना है तो 4 करोड़ रुपए, अगर 4 करोड़ की वस्त्र जरूरी होता तो आजकल के याजक लोग पहनकर क्या करते, मर जाते। इसीलिए उस सेवकाई को परमेश्वर ने क्या किया, ही फिनिश्ड इट। इसीलिए यीशु मसीह ने याजकत्व करते वक्त, यीशु मसीह सूली पर याजकत्व करते वक्त कैसे थे, नंगे थे, हाँ या ना। बहुत सारे लोग हैं माइकल एंजेलो जैसे पिक्चर कर बनाए हुए लोग, उनको एक चड्डी पहना दे रहे हैं, नहीं तो एक लंगोटी पहना दे रहे हैं, मगर यीशु मसीह को क्रूसापित करते वक्त उनको क्या नहीं थी, कपड़े नहीं थे। क्योंकि किसी को, किसी कैदी को क्या बोलते हैं, सजा देते वक्त उसके कपड़े के बारे में कोई खातिर नहीं करता, सुन रहे हो, उसके कपड़े के बारे में नहीं, तो वो कैसा है, सुंदर है या ये, कुछ कुछ चीज उनको लेन देन नहीं है। वो लोग घिनौनी तरीके से उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ऐसा ट्रीट करने के हिस्से से यीशु मसीह को भी वैसे ही ट्रीट किए होंगे। इसीलिए यीशु मसीह का याजकत्व के समय में यीशु मसीह क्या नहीं किए, याजकीय वस्त्र कुछ पहने नहीं, पहने क्या नहीं, याजकीय वस्त्र ना पहनकर ही उसने क्या किया, याजकत्व की सेवकाई किया। आज भी परमेश्वर के विश्वास, यीशु मसीह को विश्वास करके हम लोग भी याजकीय पदवी में आने के कारण क्या है, यीशु मसीह का वो फिनिश्ड एक्टिविटी ऑन द क्रॉस, वो हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है, आई एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं कलीसिया में योग्यदान पाया, परमेश्वर के फैमिली में एडअप हुआ, परमेश्वर के कलीसिया में मैं भाई बन गया। इसीलिए यीशु मसीह का वो क्रूसार्पण का जो जो श्रेष्ठकाई है, जो सेवकाई थी, जो अनुभव थी, जो बलि अर्पण थी, वो मेरा अनुभव बन गया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैंने यीशु को मारा, मेरी पापों ने यीशु मसीह को क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेलो, हमने यीशु को मारा, मैंने यीशु को, मैं कर, मेरी अंदर की पाप की तत्व यीशु को क्या कर दिया, बलि चढ़ाने के हिसाब से क्रूसार्पण के क्रूसी क्रूस के ऊपर टंगवा कर सेवकाई करने के लिए क्या किया, फोर्स किया, वो फोर्स करने के द्वारा हमें वो अनुभव बन गया। इसीलिए मसीह जीवन, कलीसिया का जीवन एक अनुभव है, एक कहानी नहीं, अनुभव, इट्स एन एक्सपीरियंस। उस चीज के बारे में पौलुस इस कलीसिया को अच्छी तरीके से बताते हैं कि वी बिकेम सो दैट ही माइट एक्सपीरियंस, हेलो, हमारा जो याजक है
उसे हम अनुभव कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस हिम। कलीसिया में आके हम लोग स्तुति क्यों चढ़ाते हैं, क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि वो हमारा अनुभव है। दान भेंट सब क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो हमारा अनुभव है, इट्स एन एक्सपीरियंस। मैं जब यीशु को पाया तो मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं परमेश्वर को देने के लिए तैयार, क्योंकि इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ डील ऑफ एक्सपीरियंस। इसीलिए ना निकोदेमस नहीं, उनका नाम जकायस, जकाई अपने जीवन में परमेश्वर का एक्सपीरियंस है ही नहीं था। यीशु ने एक ही बात उससे कहा, हे जकाई पेड़ से नीचे उतर आ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, गेट डाउन। वो तुरंत उतर आ गया। उतर आकर उसने क्या किया, अपना घर को खोल दिया। घर खोलने से पहले उसने क्या किया, घर के अंदर की चीज़ों को उसने क्या किया, शुद्धिकरण किया। ही मेड एन अटेम्प्ट टू क्लीन हिज हाउस। उसके घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो यीशु मसीह को आने के लिए अनुमति ना देने वाली कुछ चीज़ें वो उसके घर के अंदर थी, उस चीज़ को उसने क्या किया, क्लीन किया। ही सेटल्ड दैट अकाउंट। क्योंकि वो कौन था, चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था, लोगों से चुंगी वसूली करता था। चुंगी वसूली करना मतलब क्या है, किसी को दोस्त दोस्त बोलकर पैसा मांगना नहीं, किसी की गर्दन पकड़ के निचोड़ के खींचना, पैसा खींचना, गद्दारी, मारपीट करके लूटना, ऐसे कमाई कमाइयां थी किसकी, जक्कई की। यीशु मसीह उसे बोले, तू पेड़ से नीचे उतरा, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। जैसे ही वो शब्द उसके कानों में सुनाई दिया, वो उसका अनुभव बन गया। यीशु मसीह उसका अनुभव बन गया। बाकी सब लोग वहीं पे खड़े देखे, किसी को भी यीशु मसीह ने बोला नहीं, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। जक्कई क्यों यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, क्योंकि उसके दिल के अंदर एक इच्छा थी कि मैं यीशु को क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। हेलो, अगर तेरे अंदर यीशु को देखने की एक चाहत है तो यीशु मसीह का मकसद क्या है, तुझे देखकर छोड़ के जाने वाला नहीं, तेरे साथ बैठकर एक्सपीरियंस को शेयर करने तत्व जैसा तेरे करीब आने वाला व्यक्ति है मेरा यीशु। हेलो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस एक्सपीरियंस को परमेश्वर क्या किए, जक्कई के जीवन में उस पेड़ के नीचे उसको वर्णन देते ही जक्कई को पता चल गया, मेरे जीवन में परमेश्वर मेरा यीशु मसीह मेरा अनुभव बनना है तो एक क्लीनिंग घर के अंदर जरूरी है। आई शुड हैव ए क्लीनिंग प्रोसेस इनसाइड माय हाउस। इसीलिए कहां पे ये बोलना शुरू किया, अपना अकाउंट खोलना शुरू किया। हेलो, जक्कई कहां अपना अकाउंट बुक खोला, प्रभु के सामने? नो, प्रभु के सामने छोड़ो गोली, लोगों के सामने। अरे जिन लोगों के सामने उसने वसूली की, उन लोगों के सामने अपना अकाउंट को ओपन किया। अरे परमेश्वर के सामने सब खोल देंगे, अरे लोगों के सामने खोलने का दम है क्या? परमेश्वर के सामने सब खोल देंगे, एवरी टॉम, एवरी हैरी, एवरी निकोलस, सब खोल लेंगे परमेश्वर के सामने। अरे लोगों के सामने खोलने के लिए तेरे को दम है क्या? वो है एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपीरियंस। इसीलिए ना पत्रस को परमेश्वर पूछते हैं, मछली पूरे तरीके से उसके नाव में देने के बाद, इन सब से ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है क्या? डू यू लव अबव ऑल दीज थिंग्स? पत्रस को और जवाब नहीं है, बोलता क्या, तू जानता है ना परमेश्वर, यू नो इट। हेलो, जक्कई के जीवन में एक्सपीरियंस कब बन गया? परमेश्वर उसको बोले क्या, जो पैसा है दे देने के लिए, कुछ बोले क्या, उसको एक ही चीज यीशु मसीह ने बोला, पेड़ से उतर आ, मैं तेरे घर आना चाहता हूं।
बाकी सब चीज उसी ने क्या कर दिया, अपने जीवन में कर दिया, बोल दिया इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ऐसा है तो यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते वक्त पैसा किसने दिया होगा? सेटलमेंट किसने किया होगा? हेलो, पैसों की सेटलमेंट किसने किया होगा? यीशु मसीह जक्कई के घर आ गए। जक्कई के घर जब आ गए तब कौन भी आ गए? सेटलमेंट करने के लिए लोग भी आ गए। तो जक्कई यीशु के साथ सेटल करेगा या जक्कई लोगों के साथ सेटल करेगा? लोगों के साथ। सोच के देखो हिस्सा कैसा है, किस्सा होगा ना, मैं लोगों को सेटल करूं ना मैं परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस बनूं, व्हाट शुड आई डू? वो है याजकत्व की सेवकाई का अर्थ। मैं अपने खुद का जीवन का देखूं या परमेश्वर के याजकत्व का अनुभव में मैं बड़े बसे रहूं? कौन सा चीज आज जक्काई बनकर तुम्हें खींच रहा है? परमेश्वर का याजकत्व तुझे खींच रहा है या इस दुनिया के छोर के चीजों, इस दुनिया के श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें तुझे खींच रहा है? विच इज सेटलिंग यू आउट? कौन सा चीज है तुझे अनुभवित बना रहा है? आज परमेश्वर का वचन कहने वाला अनुभव में देख सकते हैं, यीशु मसीह हमारा एक्सपीरियंस बनकर याजकीय सेवकाई को क्या किए, पूर्ण किए। इसलिए उसने क्या किया, लोगों के पाप को पूरी तरीके से धोने के लिए, पूरी मनुष्य को क्या करने के लिए, उसकी 17वां वचन का आखिरी वचन थोड़ा पढ़ो, याजकत्व के सेवकाई करने के बाद क्या किए? एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। पापों के लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। हेलो, वो हमें सहायता कर सकता है। ही कैन असिस्ट अस, ही कैन हेल्प अस, ही कैन प्रोवाइड अस। आमीन। इसीलिए परमेश्वर की याजकत्व की सेवकाई खत्म करने पर हमें परमेश्वर के निकट जाने के लिए, करीब आने के लिए क्या कर, एक प्रोटेक्शन का रास्ता खुल गया। कोई भी चीज हमें रोक टोक नहीं डाल सकी। इसलिए ना जक्कई बोलता क्या है, मुझे कोई भी चीज रोकता नहीं, टोकता नहीं परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जो कुछ भी है उस सब चीज को मैंने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। आई एम क्लियर, आई एम क्लीन। वो है भाईचारा, वो है कलीसिया का अनुभव। आके गाना गाना, नाचना कूदना ये सब नहीं है, वो को शैतान भी कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। हाँ, वचन बोल सकता है, अन्य भाषा बोल सकता है, आराधना कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको अनुभव है, क्योंकि वो एक्टिंग किंग है, बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड का अवार्ड किसको दो, शैतान को ही, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक अधिक वर्ष तक परमेश्वर के साथ वो सब काम करके आया हुआ है। आराधना किया है, वचन बोला है, सब कुछ किया है, जितना हम नहीं किए उससे अधिक। मगर क्या हुआ, वो परमेश्वर को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया। मगर आज नए नियम के विश्वासी होने के बाते हमें परमेश्वर कलीसिया में योगदान देकर, परमेश्वर कलीसिया में हमें प्रत प्रयोग के हिसाब से भाइयों का शब्द प्रयोग परमेश्वर हमें दिलाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा एक्सपीरियंस बन सके, परमेश्वर की सेवकाई हमारा एक्सपीरियंस बन सके, परमेश्वर की जो याजकत्व वो हमारा एक्सपीरियंस बन सके, ताकि हम खुल्लम खुल्ला अनुचित समय में परमेश्वर के कृपा सिंहासन के निकट जाकर उस एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से अनुभव करने के हिसाब से परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गीय दरवाजे खोल कर रख दिए। इसीलिए हमें ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ गॉड में एनी टाइम जाने की अपॉर्चुनिटी। आमेन।
इसलिए क्या हो गया जानते हो ना, शैतानिक शैतानिक औजारों को क्या कर रहा है, हमारा परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता तोड़ डाल रहा है। समझ रहे हो, इसीलिए कभी भी शैतान लोगों को परमेश्वर के निकट आने नहीं देगा। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अनुभव शेयर करने शुरू कर लेगा तो उसको और कभी भी अपॉर्चुनिटी, शैतान को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं देगा। ऐसा है तो उद्धारी के मकसद में परमेश्वर जैसा जयवंत हो गए, हम भी उसी जयवंत अनुभव को एक्सपीरियंस करना शुरू किए। अगर यीशु जीत गया तो मैं भी जीत गया, यीशु अगर एक्सपीरियंस में जीत गया तो मैं भी एक्सपीरियंस है, तो दोनों जब जीत गए, जब जो दो व्यक्ति जीत गए हैं, जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देगा। व्हेन टू और थ्री गैदर इन माय नेम आई विल बी इन देयर मिडस्ट, परमेश्वर बोला जब दो की तीन मेरे नाम में उपस्थित है मैं उनके बीच में उतर आता हूं। हालेलुया, वो है अनुभव, इट इज एक्सपीरियंस। इसीलिए कलीसिया उस चीज को अनुभव करना जरूरी है। हेलो, ऐसा है तो जक्कई के जीवन में कितने दिन तक सेटलमेंट करता हुआ होगा लोगों से? नहीं तो जक्कई कितना दिन लिया होगा अपना अकाउंट सेटल करने के लिए? उसी समय किया होगा, हैं? उसी समय एक ही दिन में खत्म कर दिया होगा, जो हो सके उसी दिन में किया होगा, बाकी जो बचा है उसको उतना। अरे कोई खुल्लम खुल्ला रोड में डिक्लेयर कर दिया, कौन चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति खुल्लम खुल्ला रोड में खड़े होकर डिक्लेयर कर दिया कि मैं किसी से भी गद्दारी से चोरी से लिया हो तो मैं वो सब चीज़ों को वापस कर दूंगा। तो ऐसा है तो ये जब से चुंगी लेने का काम किया उस दिन से आज तक जितने लोग हैं उन तक न्यूज़ गया होगा कि नहीं गया, तो कब तक लोग आए होंगे? आधी रात से देर, जिस दिन से ये काम को करना शुरू किया उस दिन से आज तक जितने लोग हैं सब अपना अकाउंट सेटल करने के लिए आए होंगे। अरे कोई मुफ्त में पैसा दे रहा है तो लेने के लिए जाएंगे नहीं है? जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुथूट बैंक में तुमने कभी पैसा लिया है? मुथूट बैंक में नहीं, सोना वोना रख कर पैसा लिया है? नहीं लिया है। अगर मुथूट के बैंक वाले बोलेंगे जो जो कस्टमर हमारे बैंक से चीज़ें लेके रख कर गया है और पैसा वापस नहीं दे पाए, वो लोग को हम लोग पैसा वापस दे रहे हैं, बोलने से लोग नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। आने पर वो बैंक वाला क्या करेगा? रिकॉर्ड बुक्स खोलेगा, पूरा क्या करेगा? सेटल करेगा। वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज एन अनुभव, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ ओपनिंग अप ऑफ ऑल द बुक्स एंड क्लियरिंग इट एंड फॉरगिविंग इट एंड मेंटेनिंग इट इनटू स्पिरिचुअलिटी। पुराने जिंदगी के हिस्सों को एक 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 करके शुद्धिकरण के रीति से उसे क्या करना, एक्सपीरियंस बनाने वाला एक हिस्सा है आत्मिक रीति का जीवन। समझ में आ रहा है? ओल्ड अकाउंट्स आर नीडेड टू बी क्लियर्ड विथ द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। पुराने अकाउंट्स जो कुछ भी है वो कुछ वो सब कुछ को भी यीशु मसीह के एक्सपीरियंस में क्लियर करना जरूरी है। इफ यू क्लियर इट ऑफ यू कैन एक्सपीरियंस द ब्रदरहुड ऑफ गॉड, परमेश्वर की संगति में भाईचारा को अनुभव कर सकते हो, क्योंकि यू गॉट क्लियर्ड। अगर क्लियर हो गया तो तुम शुद्ध हो गए, यू गॉट सैंक्टिफाइड। हेलो, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के दास जॉयस मेयर, उनके जीवन में वो किसी से उधारी पैसे लिए थे और बहुत सालों तक उसने क्या किया नहीं, उस पैसे को वापस नहीं किया। एक दिन पवित्र आत्मा उनको याद दिलाया, क्या जानते ना, जिनको वो पैसा देना था उनके बारे में परमेश्वर के आत्मा उसको बहुत जागरण करके बोले, जा अब तो तेरे पास कमाई है, पैसा है, जो वापस करना है उसको दे दे, इंटरेस्ट के साथ वापस दे दे। तुरंत इसने क्या किया जानते हो ना, ढूंढना शुरू की जिस व्यक्ति से उसने पैसा लिया था
उस व्यक्ति को ढूंढना, बहुत दिनों के बाद मिले, मिलने के बाद पूरा पैसा वो हिसाब किताब करने के बाद उनसे हाथ मिलाकर माफ़ी मांगकर एक बात बोल, प्रार्थना की जाना, मैं अपने जीवन में अपना अकाउंट को आई एम सेटलिंग इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, आई नीड ए ब्रेक थ्रू, मेरे जीवन में इस चीज से मुझे एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, कैंसल माई डेब्ट्स, मुझे माफी की लायक दिलवाओ परमेश्वर, बोलकर उस व्यक्ति के साथ हाथ मिला के प्रार्थना करके उस अनुभव को क्या कर दिया, उस दिन माफी मांगकर उसे निकल के, निकल आते वक्त जॉयस मेयर ने कहा क्या बात जानते हो ना, आई फील सो मच फ्री, मैं इतना फ्री अनुभव करता हूं कि मैं परमेश्वर को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता, हो सकता है वो परमेश्वर के वचन से गलतियां बोल सकती होगी, मगर उनकी वो गवाही इट गेव लाइफ, हेलो हालेलुया, वो है एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को हमें क्या करना चाहिए, भाईचारा के हिसाब से हमें कलीसिया के अंदर अनुभव करना चाहिए, प्रेज लॉर्ड। दूसरी समूएल की किताब पहली अध्याय उसकी 26, सेकंड सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 26, ए मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखी थू, तो मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। यहाँ पे बताया गया अनुभव में किसके बारे में, दाऊद और योनाथन के बारे में बताया गया है। दाऊद और योनाथन कौन थे, दोनों दोस्त थे, करीबी दोस्त, बिलव फ्रेंड्स। योनाथन कौन था, शाउल का बेटा। हेलो, योनाथन कौन था, शाउल का बेटा। उसके पहले अध्याय का पहला वचन अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, शाउल की मौत होने के बाद और उनके तीनों बेटों की मौत होने के बाद, शॉल कौन था, एक राजा, इसराइलियों का पहला राजा। शॉल अपने जीवन सारा क्या किया, दाऊद को विरुद्ध कर दाऊद को मारने के लिए, दाऊद का जीवन को नष्ट करने के लिए घूमते वक्त भी कभी भी शॉल ने, दाऊद ने क्या नहीं किया, शॉल को विरोध नहीं किया। और शॉल उसका विरोधी होने पर भी उसके बेटे को दाऊद क्या कर सका, दोस्त के समान एक्सेप्ट कर सकता। हेलो, अरे तुम्हारा दुश्मन का बेटे को तुम अपना दोस्त बना सकते हो, वो है भाईचारा। हेलो, शॉल का बेटा है कौन, जोनाथन। शॉल का बेटा जोनाथन कौन, दाऊद को मारने के लिए उसका पप्पा घूम रहा है, तभी भी योनाथन किसके साथ, दाऊद के साथ एक भाईचारा का रिलेशन। हेलो, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे शत्रुओं को प्रेम करो, शत्रुओं को प्रेम करो बोलने से शत्रुओं का बेटा उसको क्या करना चाहिए, प्रेम से अधिक करना चाहिए। हाँ या ना, अरे शत्रुओं को प्रेम करो बोलकर हिस्सा नया नियम में बताया गया हिस्सा है ना, तो दाऊद को कैसे पता चला, समझ रहे हो, तुम्हारा शत्रुओं को तुम प्रेम करो, इस हिस्सा के बारे में यीशु मसीह नया नियम मत्ती लिखे सुसमाचार में बता रहे हैं, इस चीज के बारे में दाऊद को कैसे पता चला, वो है अभिषेक का श्रेष्ठता, वो है पवित्र आत्मा में भर्ती होने का श्रेष्ठ दान, वो है परमेश्वर को अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से अनुभव करना, एक्सपीरियंसिंग गॉड। इसीलिए वो क्या कर सका, अपने दुश्मन के बेटे को भी अपने यार के हिसाब से, अपने भाई के हिसाब से उसको क्या कर सका, एक्सेप्ट कर सका। इसीलिए उसके मौत के दौरान जब वो उसका दोस्त मर गया, वो क्या बोल रहा है, स्त्रियों से भी अधिक था तेरा प्रेम। एक बार पढ़ के देखो उसकी
अच्छा 26। हे मेरे भाई योनातान, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, क्योंकि उसका मौत हो गया इसलिए दुखित है। हाँ, तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था, तू मुझे बहुत अच्छा मनभाव पाता था, क्योंकि यू आर माई गुड फ्रेंड, तू मेरा अच्छा करीबी दोस्त था। हाँ, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था, स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। तो क्या प्रेम था देखो, क्या अटैचमेंट था देखो, क्या मिलाव थी देखो, क्या संगति थी देखो। एक शत्रु के बेटे के साथ इतना प्रेम हमदर्दी कर सकता है तो दो कलीसिया के सदस्य क्यों नहीं कर सकते आपस में ऐसा प्रेम। हेलो, हम सब परमेश्वर के क्या थे? दुश्मन थे, है ना? दुश्मन होने पर भी परमेश्वर ने क्या किया? हमें प्रेम से क्या किया? रिसीव किया। हाँ या ना? रिसीव करके परमेश्वर के कलीसिया के अंदर हमें योग्यवान देकर, हम अगर परमेश्वर के प्रेम में बंधे हुए होकर भी दूसरा एक भाई को हम प्रेम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम कौन है? शत्रु पक्ष में है, मित्र पक्ष में है? शत्रु पक्ष। हेलो 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 हेलो, हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए शत्रु पक्ष में से निकलकर मित्र पक्ष में यीशु मसीह के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेट्स शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड विद आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों के बीच हम उस एक्सपीरियंस को क्या कर सकें? अनुभव करने के हिसाब से परमेश्वर कलीसिया के अंदर भाईचारा को परमेश्वर नामीकरण करके रखा है। हेलो, यह है भाईचारा। इसलिए दाऊद का शब्द प्रयोग थोड़ा देखो, स्त्रियों से भी अधिक तेरा प्रेम, प्रेम स्त्रियों से भी अधिक प्रेम। वो कैसा प्रेम है? उतना करीबी एक भाई का रिलेशनशिप था किसका? दाऊद और योनातान का। हेलो, उस रिश्ते को क्यों हम कलीसिया के अंदर क्यों अडॉप्ट नहीं कर पाते? क्यों अगर कलीसिया के अंदर हम उसको क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? उस तरीके का एक प्रेम को हमें अनुभव करने के हिसाब से दाऊद आज स्पष्ट रीति से आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वर्णन करके बताता है, लेट वी शुड हैव सच ए रिलेशन विथ अवर ब्रदर। हमारे भाइयों के बीच में भी ऐसी एक रिश्ते को हमें कायम करना जरूरी है। अगर तेरे सर के ऊपर अभिषेक का तेल गिरा है, अगर तू अभिषेक से पूर्ण बना है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति भारी पड़ी है, अगर तू वचन के गहराई में जा रहा है, अगर तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, अगर तेरा अनुभव परमेश्वर के साथ है, तू परमेश्वर के फैमिली के अंदर एक्सेप्टेड है, स्टार्ट रिसीविंग योर ब्रदर्स द सेम। तेरे भाई को भी उसी रीति से तू एक्सेप्ट करना शुरू कर। वो है संगति, वो है भाईचारा। हेलो, अगर दाऊद चाहता तो योनातान के साथ भी दुश्मनी रख सकता था, मगर दाऊद कौन है? एक अभिषिक्त है। इसीलिए शाऊल को पकड़ने के लिए अवसर मिलने पर भी दाऊद क्या बोलता है? वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, हो सकता है उसका अभिषेक निकल गया होगा, नहीं तो उसके अंदर दुष्टात्मा फंसे होंगे, मगर उस परमेश्वर की अभिषिक्त को देने वाला पद प्रयोग थोड़ा देखो। इसलिए उसने क्या किया? अच्छा एक अवसर मिलने पर भी उसे मारा नहीं, वरन उसके कपड़ा का एक छोर को काट कर क्या कर दिया? लेकर गया, वो भी डरते डरते। जब परमेश्वर तेरा एक्सपीरियंस बन जाता है, परमेश्वर का लोगों को भी उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तू देखने के लायक से तेरे मन प्राण शरीर को तू ट्रेन करेगा। वो है संगति।
समझे नहीं? जब परमेश्वर को तेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तू अनुभव करता है, तब तेरे करीबी भाइयों को भी, तेरे संगति के भाइयों को भी, तेरे साथ जुड़े हुए भाइयों को भी तू क्या करेगा? उसी एक्सपीरियंस के साथ एक्सेप्ट करके उसी एक्सपीरियंस को तू शेयर करने वाला हिस्सा है कलीसिया, और उस कलीसिया का प्रद प्रयोग में नामीकरण किया गया शब्द है भाई, ब्रदर। परमेश्वर उस भाईचारा की अनुभव में हमें ले चलिए, परमेश्वर उस भाईचारी का अनुभव, परमेश्वर परमेश्वर से हम अनुभवित करने के हिस्सा से परमेश्वर हमें सिखाइए, अनॉइंट अस लॉर्ड, हमें अभिषेक कीजिए उस भाईचारा का एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है भाइयां मिलन होकर रहना कितना श्रेष्ठ और मनोहर। वो किस तरीके से है? अहरोन के सर के ऊपर गिरता हुआ अभिषेक के तेल के हिसाब से है। वो तेल सर के ऊपर से कहाँ तक पहुंचती है? वस्त्र से होकर, दाढ़ियों से होकर, वस्त्र को क्या करता है? What is that greatness of that anointing? उस anointing, उस अभिषेक का श्रेष्ठता क्या है? वो तुझे क्या करेगा? Completely तेरे शरीर को क्या करेगा? भर देगा। It's an overflowing anointing। तेरे सर के बालू, तेरे दाढ़ी के केश, तेरा वस्त्र, तेरा पांव के छोर तक वो तेल तुझे क्या करेगा? कवर अप करेगा, रैप अप करेगा। हेलो, वो है ब्रदरहुड, भाईचारा वो है। ब्रदरहुड इज एन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, भाईचारा परमेश्वर का एक एक्सपीरियंस है। वो दाऊद अच्छी तरीके से बता रहा है, इसलिए अपने भाई के प्रति वो क्या कर रहा है? बहुत दुखित हो रहा है। इसलिए दाऊद का मन और योनाथान का मन एक जैसा था, इसलिए वो बोल रहा है ना, स्त्रियों से भी अधिक तेरा प्रेम। स्त्रियों से अधिक मतलब उसके बीवी का प्रेम से भी अधिक था किसका प्रेम? दाऊद के बीवी, बहुत सारे बीवियां हैं वो छोड़ो, उन बीवियों से भी, वहां पे औरत लिखा है, बीवी नहीं लिखा है, तो दाऊद को प्रेम करने वाले बहुत सारे औरत लोग थे, उनसे भी अधिक किसको मान रहा है? एक आत्मिक व्यक्ति योनाथान को मान रहा है। वो कौन है? उसका दुश्मन का बेटा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के आत्मा आज हमें चेतावनी दे रही है, वी शुड एक्सपीरियंस द सेम ब्रदरहुड, द सेम फैमिली एक्सपीरियंस विद अवर ब्रदर। हमारे भाई के साथ भी उस स्वर्गीय परमेश्वर की उस एक्सपीरियंस को, फैमिली एक्सपीरियंस को अनुभव करने के हिसाब से परमेश्वर हमें अभिषेक किए हैं। ही अनॉइंटेड अस। आज उसको हम रिसीव करेंगे और परमेश्वर की एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और बोलेंगे आज भी संगति में जो नाम प्रयोग किया गया है भाइयां, आज भी अभिषेक के साथ पूर्ण हो रहे हैं। मिलने से का भाइयां मिलने से काफी है, अभिषेक उतरेगा, अभिषेक भरेगा। इसलिए ना प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय में देख सकते हैं, जब कलीसिया के सदस्य मिलकर प्रार्थना के साथ 50वां दिन, 50th डे, नहीं तो यीशु मसीह का स्वर्गहरण का होने के बाद 10वां दिन, ये लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करने पर क्या हुआ? उनके ऊपर एक तेल गिरा,
उनके ऊपर एक आग उतरी, उनके ऊपर क्या हुआ, एक अद्भुत शक्ति उतर आई। वो अद्भुत शक्ति उनको क्या कर दिया, भर दिया, उनका रूम को भर दिया, उनको भर दिया, उनका देश को भरने के हिसाब से वो अभिषेक उनको क्या कर दिया, पूर्ण करवा दिया। लॉर्ड थैंक यू जीसस। ऐसा एक मिला हमें भी जरूरत है, दाऊद और योनाथान के समान। हमें भी परमेश्वर सिखाइए, हमें भी उसी रीति से अभिषेक कीजिए। प्रेरितों का किताब छवा दिया उसका तीसरा वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6:3। इसलिए हे भाइयों, अपने में सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उसे उन्हें इन काम पर ठहरा दे। देखो ये कलीसिया, ये कलीसिया में क्या हुआ, भाइयों का जो रिश्ते में क्या हुआ जानते ना, छवा अध्याय में देख सकते हैं, कलीसिया के अंदर लोगों का बड़ा लोग बहुत संख्या की रीति से बढ़ना शुरू किए, फाइनेंसेस बढ़ गया, पैसों की रीतियां बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, लोगों को सहायता देने वाले अनुभव भी बढ़ गए। मगर क्या हो गया, लोगों के अंदर एक भिन्नता आना शुरू की। भिन्नता आते वक्त कलीसिया में भाइयाँ क्या कर दिए, दे हैड एन आई, उनको एक ऐसी आँख थी चीज़ों को देखने के लिए। हेलो, यू शुड बी हैविंग एन आई अपॉन योर ब्रदर, अपॉन द चर्च। कलीसिया के ऊपर तेरा एक आंख रहना जरूरी है। इसलिए ना यीशु मसीह के माँ और उनके यीशु मसीह और उनके चेले सबको क्या किया, एक विवाह में क्या किया, इन्विटेशन दिया गया। इन्विटेशन देते वक्त वहां का द्राक्षरस खत्म हो गया, उस हिस्सा को किसने बोला, मरियम ने बोला। क्यों, शी हैड एन आई टू वॉच थिंग्स, उसको ऐसी एक आंख थी चीजों को देखने की। खाली चीजों को देखकर चुपचाप निकल जाना ही नहीं, चीजों को देखकर प्रार्थना विनती में उस चीज को हासिल करने की एक मनोभाव, प्रार्थना विनती के साथ उस चीज को पाने के लिए एक इच्छा दिल के अंदर। उतना ही नहीं, रुकी नहीं, उसने क्या की, तुरंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के निकट आकर उस जिस चीज को उसने देखा उस चीज को विवरण करके बता के वो क्या कर सकी, पेश करवा सकी। उतना ही नहीं, देखने के कारण एक आत्मिक झुंड के हिसाब से लोगों को तैयार करने के हिसाब से उसने क्या की, प्रस्तुत कर रखा सके। वो है, इट इज विजन, दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, भाइयों के प्रति, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति तेरा नजरिया। यू शुड हैव ए विजन फॉर एवरीथिंग। इसीलिए कलीसिया के अंदर समस्या आने पर भाइयों के अंदर क्या थी, दे हैड ए विजन टू डू समथिंग फॉर द चर्च। इसीलिए वो लोग मिलकर क्या किए, सात लोगों को चुने। अगर नजर नहीं है, अगर विजन नहीं है, तो सात कहां मिलेंगे। हेलो, एक चीज बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। सात लोगों का नाम लेते वक्त बाकी लोगों का नाम नहीं लिए, झगड़ा क्यों नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कलीसिया में होता तो, आजकल के कलीसियाओं में होता तो, मेरा नाम पास्टर जी नहीं बुलाए, मैं इतने साल से कलीसिया के अंदर हूं, मेरा नाम क्यों नहीं बुलाए, पास्टर जी पार्शियलिटी दिखाते हैं, रो रो के गिड़गिड़ा के मर जाते। वैसा नहीं हुआ, क्यों, जैसे कलीसिया का विश्वासियों का नजरिया थी, वैसे ही पासवानों की भी नजरिया। इसलिए दोनों मिलकर सात लोगों को चुने। द डिसीजन गोज करेक्ट व्हेन पीपल्स विजन्स आर इक्वल। निर्णय एक जैसा होगा, जब लोगों का दर्शन एक जैसा होगा तो निर्णय भी एक जैसा ही आएगा।
इसीलिए वो परमेश्वर का एक्सपीरियंस, दे एक्सपीरियंस गॉड, दे एक्सपीरियंस द फैमिली ऑफ गॉड, दे एक्सपीरियंस द टोटलिटी ऑफ ब्रदरहुड। पूरी तरीके से परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर रहे थे, परमेश्वर की संगति को एक्सपीरियंस कर रहे थे, भाईचारा को एक्सपीरियंस कर रहे थे। उस रीति से वो लोग कलीसिया में मिल बांट कर रुकते थे, वो आज हमारे जीवन में भी रहना जरूरी है। वो है भाईचारा। ये वचन उसके द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष करें। आइए आंखें बंद करते हैं परमेश्वर के सन्निधि में, आत्मा के साथ परमेश्वर के सन्निधि में थोड़ी देर धन्यवाद करके परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू मास्टर, वी मस्टिप यू, वी वर्शिप यू हदुरा शखमसता। परमेश्वर तेरे अभिषेक से हमें पूर्ण कीजिए। परमेश्वर हम संगति में भाइयां बनकर जीने के लिए हमें सहायता दे। आज वचनों के द्वारा हमने सुना परमेश्वर, परमेश्वर दाऊद और योनाथन के जैसे भाई के रिश्ते के द्वारा हमें भी रुकने के लिए, हमें भी रहने के लिए सहायता दिलवाइए परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर और अधिक अधिक परमेश्वर तेरे भाईचारा को समझने के लिए, तेरे याजकत्व में एक्सपीरियंस बनकर जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दीजिए। आज जो वचनों के द्वारा हमारे साथ बातचीत किया वो हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करने के लिए सहायता दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हमें अभिषेक से परिपूर्ण किया इसलिए धन्यवाद। जो वचने हमने डिस्कस किया वो सब कुछ हमारे जीवन में संभव होने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।